हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का वीडियो एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक पे है, जो आप लोग हमेशा चाहते हो कि इस वीडियो पे डिस्कशन हो, इस टॉपिक पे डिस्कशन हो। तो वो टॉपिक कोई और नहीं है, कोर इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। क्या कोर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर बदलेगा, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर इंजीनियर से ज़्यादा कमाएंगे? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डूबेगा या रहेगा? इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, करियर एचआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे पहले हम कोर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। कोर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड है इनको कोर इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि कोर फील्ड से काम होता है। कोर फील्ड में भी देखो, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू बढ़ी है कोर इंजीनियरिंग की। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कोविड में, कि कोरोना के टाइम में कोर इंजीनियरिंग पूरा ठप पड़ा था, मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहे थे। कोर इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट्स ऐसे थे, आपने देखा होगा कि टाटा जैसी कंपनियां ऑक्सीजन बना रही थी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब अपना काम स्टॉप कर दी थी, जिससे कि कोर इंजीनियरिंग फील्ड में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया। लेकिन हाँ, एक चीज ये कहूँगा, रिकवरी भी बहुत तेजी से हो रही है गाइस। जितना मतलब अगर कोई कंट्री जो है साल दो साल मतलब कोर इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, बंद रहे 4 महीने 6 महीने, तो उसको कवरअप होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन इंडिया में कमाल का है, टाटा जी को थैंक यू करना पड़ेगा, मारुति सुजुकी के ऑनर को थैंक यू करना पड़ेगा, कि ऑब्वियसली उन लोगों ने इतना अच्छा कमाल करके दिखाया कि कोर इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा बेरोजगारी नहीं है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ रही हैं। रियल एस्टेट की मार्केट है, वो भी काफ़ी तरह से खुल गई है, जैसे सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। अब देखो, गुस्सा आप लोगों को किस बात पे आ रहा होगा कि सर ये बता रहे हैं कोर इंजीनियरिंग में जॉब है और हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो भाई जाओ, निकलो और लड़ना पड़ेगा, यू नीड टू बी फाइट। प्राइवेट इंडस्ट्री की जॉब है, थोड़ी फाइट तो करनी पड़ेगी। फाइट कुछ करोगे ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको फाइट ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ये रहा कोर इंजीनियरिंग की कहानी, कि कोर इंजीनियरिंग का क्या चल रहा है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर प्लान अभी मैं बता दूं, 2 साल कम से कम, एटलीस्ट 2 ईयर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में मतलब रिसेशन तगड़ा रहेगा। जॉब रहेंगी, लेकिन जॉब उन्हीं के लिए है जो अच्छे प्रोग्रामर होंगे, अच्छे डेवलपर होंगे, अच्छा नॉलेज रखते होंगे। बेसिक ओवरव्यू वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म है यहाँ पे। क्योंकि मैं एक चीज़ और यहाँ एड ऑन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, चैट जीपीटी एक ऐसा टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया है। चैट जीपीटी पे टाइप करो कि हाउ टू मेक वेबसाइट, काइंडली सेंड मी द कोड, वो पूरा कोड ही होम पे से लेके सब वो दे देगा। मतलब डेवलपरों का एक लाइब्रेरी होता था, जैसे कोई वेब डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, वो अपना ड्राइव में लाइब्रेरी बना के रखता था। चैट जीपीटी क्या, वो लाइब्रेरी ऑलरेडी बनाया हुआ आपके लिए, किसी भी डेवलपर के लिए। हर डेवलपर का अपना ट्रिक्स होता था, आइडियाज़ होता था, वो हर ट्रिक्स आइडियाज विद इन अ मिनट आपको मिलता है। जिस डेटा को, जिस ट्रिक और आइडिया को खोजने में आपको घंटों, दिनों, महीनों खर्च कर जाने पड़ते थे, चैट जीपीटी उस चीज़ को, एआई टूल है, ईजिली प्रोवाइड कर देता है, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की मार्केट को थोड़ा और सॉर्ट करेगा। ऑल दो डिजिटलाइजेशन अगर बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट की मार्केट बढ़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में लोग जा रहे हैं, उससे देख करके तो यही लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फील्ड को एक लोग एकदम पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को एड ऑन करना चाहूँगा, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो आप या कोर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, दोनों में से किसी में भी जा रहे हो, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप करंट मार्केट सिनेरियो को देख करके मत चलो, आप 5 साल 10 साल बाद उस इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या होगा वो जानना बड़ा ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के गेम में फंस गए हैं, लोगों ने जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया क्योंकि करंट में ट्रेंडिंग में था। अब 4 साल बाद किसको क्या पता था कि इतना बड़ा रिसेशन आ जाएगा, गूगल निकालेगा, फेसबुक निकालेगा। लेकिन हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जब अमेरिका के मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो मिलते हैं अमेरिका से ही मिलते हैं, तो जब अमेरिका में रिसेशन आएगा तो ऑब्वियसली इंडिया में आना ही आना है, तो उससे उतना डरिए मत। लेकिन अगर कोर इंजीनियरिंग की बात करें और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली
कहीं ना कहीं अभी करंट टाइम में कोर इंजीनियरिंग ऊपर जा रहा है और ग्राफ जाएगा। आप लोग कह रहे हो कि नहीं सर ये गलत एनालाइजेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं 6 महीने बाद आप इसी एनालाइजेशन को कहोगे सर 100% राइट है। जैसे बहुत सारे लोगों ने जब मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड डूब रहा है सॉफ्टवेयर में 2022 में, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड बेकार है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में मत जाओ, तो आप लोगों में से ही कई महान लोगों ने कॉमेंट किया सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी वीडियो बनाते हो, किसका स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, आपको कैसे पता 2025 के बारे में 2024 के बारे में। तो भाई हमें नहीं पता है, ये एनालाइजेशन जो होते हैं ना बड़े बड़े एक्सपर्ट भी होते हैं, उनके ओपिनियन भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद वीडियो बनती है, उसके बाद मेरा फीडबैक उस पर होता है। तो मैंने दे दिया अपना फीडबैक कोर इंजीनियरिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा इंजीनियरिंग बूम करेगा, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बचेगा, क्या कोर इंजीनियरिंग अपना दमखम दिखाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और जिनको भी करियर काउंसलिंग करवाना है, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज लेनी है, careeredaeducation.com पे जाके वो लोग मुझसे करियर काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।